चलो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो चुकी है। मैडम और मीना मोनिका भाभी दोनों रेडी हो चुकी हैं। मोनिका भाभी घूंघट ऊपर करो, क्या आप हमें क्या दिखाना चाहते हो? हम बहुत वो हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, दोबारा घूंघट ही नहीं हटवा रहे हैं। मोनिका भाभी बैठो ना, और क्या आओ बैठो, चल तू काट। तू ये डिजर्व करके जब खुद लेके आई है तो फिर कैंडल्स भी खुद ही काटेगी। इस पर नहीं हुआ कि इसके लिए कोई केक लेके आता, अपने आप लेके आ गई है, तो ठीक है काटो। आप लोग ये सोच रहे होंगे दो केक क्यों है, प्रियांशी बहुत स्पेशल है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। भाभी का बर्थडे है, कहाँ येरी इनका बर्थडे, इसलिए दूसरा केक आया। ये कह रही कि मेरा तो कभी केक ही नहीं कटा। हमने कहा यार भाभी दोनों का कटता तो है, कहती नहीं स्पेशल, तो हमने कहा स्पेशल केक काट लेंगे। प्रियांशी प्रियांशी ने चुगली करने के बाद ऐसे ही होता है इनके साथ, ये पहले तो चुगली कर देते कौन अब ये नाराज हो चुकी है। तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो बस बातें बना तैयार हो चुका है। भाभी तुम ही मना सकती, तुम्हारी आग लगाई है, तुम्हें गुस्सा हुई थी आजा चल बस आजा। यार प्रियांशी बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज आप मुझे, मैं इस अपराध के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत डर लग रहा है प्रियांशी दीदी से, बहुत डर लगी माँ काली माँ ना, बहुत डर लग रहा है, कैमरा भी शिवर हो रहा है, इतना डर लग रहा है कैसे अपने डर को ओवरकम करूँ मैं। प्रियांशी दीदी प्लीज माफ कर दो, और ड्रामा अब ज्यादा ड्रामा मत कर, ठीक है ना? कभी सोच रही हो बर्थडे तो पैम्पर ही करते रहेंगे। चलो आज का बर्थडे ये याद रखेगी प्रियांशी। बताऊं अभी नहीं बताऊं, किसको कह रही हो? वृंदा को। चलो स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे डियर मोनिका भाभी, हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू। ये कैरल साइलेंट, तेरा बर्थडे कल था ना, कल पूरा केक खा के बैठी हुई है, क्या हुआ वृंदा? क्या हुआ? आपको भी केक काटना है? नहीं काटना, फिर क्या करना है? मोबाइल चाहिए। गाइस एक सलाह दूंगी, एक बच्चा कभी मत करना, ये एक बच्ची और ये सबसे बिगड़ी हुई बच्ची है, नॉनसेंस। इसके हमेशा ड्रामे रहते हैं, मेरी तरह दो करना इनकी तरह दो करना, इन्होंने एक साथ दो दो प्रसाद दिए लिए दिए, व्हाटएवर।
किधर? ये मम्मी आज ही हॉस्पिटल से आई है और इन्होंने आते ही कुछ नहीं करा, इन्होंने बस मेरी क्लास लगानी स्टार्ट करी है। हाँ मुझे नहीं खिलाएगी ना अब तो प्रियांशी केक, अब प्रियांशी ने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। कुचू मैं बच्चों को हाथ नहीं लगाती, मेरे हाथ ऐसे लगते हैं पता नहीं किसी ने टच कर दिया। जोलो चिप्स मिला के मतलब किसने खिलाई मुझे जोलो चिप्स? खिलाएगी प्रियांशी गुस्से में। अच्छा ओके ओके ओके, कुछ कहना चाहेंगे आप? फोकस मैम 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 फोकस मैम मैम थोड़ा सा मैम थोड़ा सा ले लूं फोकस कर लूं। मैम कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैम प्लीज मुझे माफ कर दें, गलती हो गई मेरे से प्रियांशी मैम। तो सॉरी दोस्तों, मुझे ना रात को अपनी वीडियो वहीं पे खत्म करनी पड़ गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था। नहीं तो आप देख सकते हो कि जो मैंने अपनी ताई के घर केक काटा था, मतलब पल्ले घर, उधर मैंने कितनी खुशी से केक काटा था और फिर यहाँ पे मैं सारा मूड ऑफ कर दिया था दीदी ने। कोई नहीं, लेकिन मुझे इतनी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरे इस बार का बर्थडे इतना अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में थी ना, तो फिर हमने सोचा था कि हम हॉस्पिटल में ही जाके केक कट कर लेंगे। लेकिन मैं घर आई तो मुझे मेरी मम्मी घर ही मिली और फिर चाची ने मेरे केक मंगवा दिया था। तो थैंक यू मेरे दोस्तों को, मेरी भाभी को, मेरी चाची को कि मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा फर्स्ट पेपर था पोल साइंस का, मैं अपना पेपर भी नहीं छोड़ सकती थी, मैंने अपना पेपर भी दिया था जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गई थी, लेकिन मेरा पेपर जब भी बहुत ही अच्छा गया। तो देख लो मैं बर्थडे कैसे मना, ठीक है? और मुझे आप लोगों से उम्मीद आपको बहुत मज़ा आया होगा। और गाइस वो जो मेरा गुस्सा था ना उसे जान मैं क्या ही बोलूँ। छोड़ो ओके बाय, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।